हेलो, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे ज़्यादातर अपने एग्ज़ाम में करके आते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो इसलिए उन बातों को अब अभी से ध्यान रखना ताकि आपके मार्क्स कटने की चांस बिल्कुल ज़ीरो हो। तो वही कुछ बातें यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात तो है कि जब भी हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो मोस्टली आपने प्रोग्राम देखे होंगे, हमें उसमें स्कैनर क्लास का यूज़ करना पड़ता है जब हमें यूज़र से इनपुट लेना होता है। तो बच्चे करते क्या है, यूज़ तो वो कर देते हैं उसके फंक्शन अपने प्रोग्राम में, लेकिन वो इम्पोर्ट करना भूल जाते हैं। तो जो ऊपर है ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, वो ये लिखना भूल जाते हैं। तो पहली गलती तो यही हो जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब भी स्कैनर क्लास का यूज़ करोगे तो उसे इम्पोर्ट करना मत भूलना। दूसरी चीज़, इम्पोर्ट करने के बाद उसका ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है, जो कि यहाँ पर है स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। तो अगर ऑब्जेक्ट बनाए बगैर तुम यूज़ कर रहे हो तो भी गलत है, मार्क्स कट सकते हैं, कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दो चीज़ों का ध्यान रखना। तो पहला पॉइंट तो आप ये नोट डाउन कर लो। दूसरा है, जैसे आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो भी, जैसे यहाँ पर है लॉन्गेस्ट वर्ड मुझे निकालना था, तो क्लास का नाम भी इसी तरीके का होना चाहिए कि नाम से पता चल जाए कर क्या रहा है प्रोग्राम हमारा। तो यहाँ लॉन्गेस्ट वर्ड मैंने क्लास का नाम रखा है। अब ऐसे अगर तुम पुरानिक नंबर के लिए प्रोग्राम बनाओगे तो पुरानिक रखोगे क्लास का नाम, ठीक है ना। मतलब मिलता जुलता नाम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम पैलिंड्रोम नंबर को निकाल रहे हो और क्लास का नाम हेलो रख रखा, तो ऐसा नहीं चलेगा। मतलब कुछ सिमिलैरिटी होनी चाहिए क्लास के नेम में और जो तुम प्रोग्राम में बना रहे हो उसके बीच में, ठीक है। तो क्लास नेम शुड बी रिलेटेड टू द प्रोग्राम, इस बात का ध्यान रखना। तीसरी है, देखो तीसरा प्रॉब्लम ये है, जब हम मेन मेथड बनाते हैं, ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, तो कई बच्चे ना इसके एंड में सेमी कॉलन लगा देते हैं, ठीक है भाई। ये नहीं होगा क्योंकि ये एक फंक्शन, एक मेथड है, तो इसके एंड में सेमी कॉलन गलती से भी मत लगाना। दूसरी चीज़ है, कभी फॉर लूप लगाते हो ना, तो भी फॉर लूप की जो स्टार्टिंग की पहली लाइन होती है उसके भी एंड में सेमी कॉलन नहीं आएगा, तो कई बच्चे वहाँ भी लगा देते हैं, तो वो गलती भी मत करना, ठीक है। तो डू नॉट पुट सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ मेन मेथड, और फॉर लूप की जो स्टार्टिंग की लाइन है उसके भी एंड में नहीं लगाना है सेमी कॉलन, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट। देखो इसमें ज़्यादातर गलती बच्चों से ये होती है, वो क्लोज़ करना भूल जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर मेन मेथड का कर्ली ब्रैकेट ओपन करा है या क्लास का करा है, तो प्रोग्राम के एंड में इनको क्लोज़ भी करना होता है, पर वहाँ पता होते हुए भी कई बार गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ हड़बड़ी भी हो रही होती है, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं सॉल्व। पर इस बात का ध्यान रखना, वहाँ पेपर में मत करना गलती, ठीक है। और कई बार हम भूल भी जाते हैं ओपन करना, तो उनका भी ध्यान रखना, जैसे फॉर लूप है, मेन मेथड है, इन सब के बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है, ठीक है। और एट द एंड आपको क्लोज़ भी करने सारे जितने आपने ओपन करे हैं। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, देखो कमेंट की बात करेंगे तो कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके गाइडलाइन में भी लिखी हुई है कि कमेंट का हमें यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। तो किस तरीके से करेंगे, तो जब भी आप कमेंट, पहली बात तो ये कि अपने प्रोग्राम में सफिशियंट कमेंट लिखना। सफिशियंट कितनी हुई, मतलब 4-5 कमेंट होनी चाहिए प्रोग्राम में, ठीक है ना, मिनिमम। तो प्रोग्राम ये कमेंट ऐसी होती है जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है, जो मैंने यहाँ लिखी है, जैसे प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे, ठीक है। मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ कि भाई मैं आगे जो मेरा फॉर लूप है इसमें करके आ रहा हूँ, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ ओरिजिनल एरे को, तो ये मैंने अपने कमेंट के थ्रू बता दिया। तो उससे प्रोग्राम भी समझने में आसानी होती है, जो एग्जामिनर आपका प्रोग्राम चेक कर रहा होता है कि आपने असल में लॉजिक लगाया क्या है या आप क्या कर रहे हैं। तो सफिशियंट कमेंट आपके प्रोग्राम में होनी चाहिए। और एक और चीज़ है, जो आप ये कमेंट करते हैं तो इनको आप स्टार्ट किससे करेंगे, ये फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है ना। दो फॉरवर्ड स्लैश आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो दो फॉरवर्ड स्लैश लगा के हम अपनी कमेंट लिखते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। उसमें एक और बात याद रखना, फॉरवर्ड का मतलब है इसका जो ऊपर का मुंह है वो आगे होगा। एक और भी होता है कीबोर्ड में बैकवर्ड स्लैश, ठीक है, तो उसका यूज़ मत करना, वो ये होता है, इसका यूज़ नहीं होगा, फॉरवर्ड वाले का यूज़ होगा, ठीक है। तो उसको करने के बाद हम अपना जो कमेंट है वो लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट, एक ही लाइन में आनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हुए, अपने पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप इसको माइंड में अपने रखेंगे उतना ज़्यादा वहाँ गलती होने के चांसेस कम होंगे, तो उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स जितने आपने सोचे हैं आ रहे हैं उतने ही आएंगे, और आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि औरों को भी ये पता रहे, ताकि वो भी गलतियाँ ना करें। अपने दोस्तों के साथ तो शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस के लिए। जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में।